दोस्तों, आज एक अंडे का रेसिपी मैं शेयर करूंगा। ये डबल टेस्ट रेसिपी है, तो मैंने ऐसे करके ही बनाया है कि आपको डबल टेस्ट मिले। तो रेसिपी का नाम है स्क्रम्बल एग्स रेसिपी। हम लोग अंडा भुर्जी भी बोलते हैं, डीम झुड़ी भी बोलते हैं। तो बनाना एकदम आसान है, दिखाता हूं कैसे। पहले आप ये सब रेडी कर लीजिए। एक प्लेट में ना क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या है, अंडा है, प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक है और धनिया का पत्ता है। ये सब धोके आप एक प्लेट में रेडी कर लीजिए, तो क्या होगा, आसान होगा, फटाफट हो जाएगा और इंग्रेडिएंट ज़्यादा भी नहीं है। और प्याज यहाँ पे 2 लिया है मैंने, देखिए, अंडा भी 2 है और मिर्च भी 2 है। और अदरक जो है, तो अदरक आधा इंच मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं, आधा इंच, ठीक है। और धनिया का पत्ता काटने के बाद अब 1 चम्मच डालने से हो जाता है, 1 चम्मच से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, हम 2 बार इसमें कुक करना होता है, डबल डबल टेस्ट के, डबल कुकिंग होता है। लास्ट में फटाफट होता है। एक प्याज, एक मिर्च, अदरक और धनिया का पत्ता है, हम अलग कर लेंगे। दिखाता हूँ मैं, सेपरेट करके भी दिखाऊंगा मैं। देखिए, मैंने सेपरेट कर दिया, 2 बार होता है, एक लास्ट में होता है। ये जो है धनिया का पत्ता, ये हम काट के ये अलग करके डालेंगे। धनिया का पत्ता, मिर्च और प्याज और अदरक, ये हम अलग करके काट के हम रख देंगे, फिनिशिंग में, लास्ट में हम डालेंगे ये, ठीक है। इसलिए मैंने सेपरेट करके भी आपको दिखाया, ऐसे, ये टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट एनहेंस करने के लिए। अब मैं कट रहा हूं प्याज। प्याज तो नॉर्मली हम लोग जैसे काटते हैं वैसे ही काटना है आपको। दोनों सेपरेट करके, ये वो टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने ऐसे सिस्टम की, ऐसे मतलब करके बनाया है, ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे करने से। प्याज जैसे काटना है, 20 में से काटिए, फिर ऐसे करके काटना जैसे हम लोग काटते हैं ऐसे ही। कभी कभी रोना भी जरूरी होता है, करते करते थोड़ा सा रो भी लीजिए आप। रोना भी जरूरी होता है जिंदगी के लिए। मेहनत भी जरूरी है, आग आग का पानी, पानी जो है वो भी जरूरी है, आंसू, ये जिंदगी के लिए जरूरी होता है। अब मैं वो प्याज और एक कट रहा हूं। काट लिया, सिल्का भी आउट कर दिया। अब ये काटना है, इसमें ज्यादा ही नहीं है, फोटो जल्दी हो जाता है। लेकिन आप मतलब जो भुर्जी जैसा है ऐसे आप बना सकते हैं। अगर टेस्ट आपको नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है नहीं तो टेस्ट ज्यादा चाहिए, तो आप, इसलिए मैंने इसे करके बनाया टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब मिर्ची ऐसे ही, जनरली हम लोग जैसे काटते हैं ऐसे ही काटना है। मैं दोनों सेपरेट करके अलग करके दिखाऊंगा इसमें कौन सा क्या डालना है, ऐसे काटना है, ठीक है। अदरक देखिए, अदरक ऐसे करके ऊपर का जो सिल्का है वो निकाल लीजिए, आधा इंच, ऐसे आधा इंच लिया है मैंने, ऐसे सिल्का आप निकाल लीजिए, ऊपर का सिल्का निकाल के धो लीजिए। धोने के बाद ऐसे लंबा लंबा काटना है, ऐसे देखिए, ऐसे लंबा लंबा करके काटिए, ऐसे काट के हम 20 मिनट से काट देंगे बस। ये देखिए, लंबा लंबा काट लिया। ऐसे ऐसे 20 मिनट से करती है मैंने।
देखिए, ये भी काट लीजिए, बीच में से, बस। ये हो गया है, अदरक का काम हो गया। ठीक है, अब मैं काट रहा हूं धनिया का पत्ता, और रूट मैंने रूट रिमूव कर दिया, जड़ जो है और रिमूव कर दिया, धो भी लिया। अब इसमें से ऐसे करके बीच में से काट दीजिए, काट के ऐसे घुमा के ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे काटिए, फिर ऐसे ऐसे करके काट लीजिए, ऐसे करके। धनिया का पत्ता मैंने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया है, डालते समय कम डालूंगा मैं, 1 चम्मच ही डालूंगा। काटा हुआ आपको डालना है 1 चम्मच लास्ट में। अब जो अंडा है वो हम एक बाउल में दो ऐसे फूल लेंगे, ऐसे एक ले लिया, उसके बाद और एक दो डाल लिया मैंने, ऐसे करके अब रेडी कर लीजिए। अब देखिए ये जो है ना, प्याज और मिर्च, हम लोग जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, ऑमलेट में क्या डालते हैं, प्याज डालते हैं, मिर्च डालते हैं। अरे ये है हम टेस्ट बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए। देखिए ऑमलेट में हम क्या क्या डालते हैं, एक मिर्च डालते हैं और प्याज डालते हैं और थोड़ा सा नमक, यही तो सेम चीज डालना है। और वो जो मैंने प्लेट दिखाया था वो टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो हम लास्ट में यूज करेंगे, फिनिशिंग में एकदम लास्ट में। ये देखिए नमक मैंने डाल रहा हूं, नमक यहाँ पे एक आधा चम्मच से कम डाला मैंने, और आप लास्ट में बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला सकते हैं अगर नमक आपको ज्यादा खाते हैं तो मैंने नहीं डाला, तो नमक कम ही अच्छा है, जितना कम हो सके कम ही यूज कीजिए नमक। आप मिक्स कर रहा हूं मैं, ये जो है ये ऑमलेट जैसे बनाते हैं ना, ऑमलेट की तरह वैसे बना रहा हूं मैं, ऑमलेट जैसे बना, ऑमलेट ही ऑमलेट जैसे है। देखिए मिक्स कर रहा हूं, मिक्स हो गया है। देखिए प्याज है, मिर्च है और नमक है। अब कढ़ाई में मैंने कढ़ाई में तेल डालूंगा, तेल कुकिंग ऑयल कोई भी हो, सरसों का हो, रिफाइन ऑयल हो, रिफाइन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा तेल आप थोड़ा ज्यादा दीजिए, और बाद में जब डबल लगा ये करूँ मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए करूंगा तब कम। अब थोड़ा ज्यादा ही दिया मैंने, दो से तीन चम्मच आप ले सकते हैं। अब मैंने डाल दिया है ये, देखिए पूरा डाल दिया है। आप इसके ऐसे 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 करके घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे करके घुमाइए, मतलब वो सेपरेट सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ऐसे पलट भी दीजिए, ऐसे करके पकाना है। ऐसे कर लीजिए, आपको अगर मतलब ज्यादा अगर ब्राउन अच्छा लगता है तो वो वैसे आप ही कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा समय पकाइए, और मतलब हल्का पसंद है तो हल्का ही रखिए, थोड़ा सा ऐसे येलो मतलब लाइट ब्राउन, आपको जैसा पसंद है ऐसे आप कर सकते हैं। मीडियम मैंने रखा है, देखिए मीडियम है, ना ज्यादा ब्राउन किया ना ज्यादा मतलब ना कम, एकदम हल्का मीडियम है। तो ऐसे करके आप, ऐसे हो गया है, आप ये मैं निकाल लूंगा, ऐसे ये हो गया, भुर्जी जो है भुर्जी हो गया, स्क्रम्बल एग हो गया। अब जो इसका मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए ये निकल के अब मैं दिखाऊंगा, ये मैंने पूरा निकाल लिया, स्क्रम्बल्ड एग्स हो गया है और भुर्जी जो है ये हो गया है। अब क्या करना है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे थोड़ा सा, ये टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। आप ऐसे करके खाइए और दोनों का अंतर देखिए कैसा लगता है। ऐसे
से बढ़िया लगता है। एक्सेस भी सिंपल ही है, इसमें तो ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है। अब वो जो प्याज, दो प्याज लिया था, एक प्याज इधर एक प्याज उधर, तो मैंने पहले प्याज डालना है। प्याज आप डाल दीजिए, मैं प्याज डाल रहा हूं। डाल दिया मैंने प्याज। प्याज अगर अगर आपका मतलब कच्चा कच्चा पसंद है तो ज्यादा मत पकाइए, अगर ब्राउन अच्छा लगता है तो ब्राउन कर दीजिए। थोड़ा समय ज्यादा पकाना पड़ता है ब्राउन करने के लिए। फ्राई की फ्राई जैसे फ्राई कर, शैलो फ्राई हो रहा है। उसके बाद मिलाएंगे हम क्या, अदरक, अदरक और ग्रीन चिली जो है, हरी मिर्च, ये डाल देंगे। ये दोनों मैं डाल रहा हूँ, कटा हुआ अदरक भी डाल दिया और मिर्च भी डाल दिया। उसी कढ़ाई में ही है, ज्यादा कढ़ाई इसी में ही, आप धोने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। वो निकल के, वो जो अंडा का जो भुर्जी है ना, वो निकल के फिर ऐसे करके आप ऐसे। मैं मीडियम में रखूंगा इसका, मतलब ना ना ज्यादा ब्राउन करूंगा ना ना कच्चा। आए देखिए, मोटा मोटी ऐसे करना है, देखिए। ओके, अब जो ए मैं डाल दूंगा, स्क्रैम्बल एग्स जो है, ए मैं डाल दूंगा, ए मैं डाल रहा हूं। धीरे धीरे करके आप डाल दीजिए पूरा। डालने के बाद करना है मिक्स्ड, मैं मिक्स्ड कर रहा हूं। आप इसमें से, इसमें आप अलग करके थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा भी मिला सकते हैं, ये आपका मर्जी, ये ऑप्शनल है, आपका मर्जी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो मैंने नहीं मिलाया। अगर आपका, आप थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो नमक इस करते तो आप मिला सकते हैं। अब हो गया है, देखिए मैं डाल रहा हूं। देखिए एकदम सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स कम से भी एक बढ़िया, एक मतलब रेसिपी है, रेसिपी बढ़िया है, ज्यादा कुछ नहीं लगता है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, दो तीन आइटम है, इंग्रेडिएंट्स मतलब कम है। और धनिया का पत्ता मैंने काट के रखा था, वो आधा मैं डाल दूंगा, आधा मैं डाल दिया, बस हो गया है। ये दाल चावल के साथ आप ऐसे एक आइटम बना लीजिए, बस बढ़िया सा शॉर्टकट, कम समय, बहुत कम समय में हो जाता है। ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। और भी वीडियो है अलग अलग, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वेज का, नॉन वेज का, और पूजा स्पेशल भी है, और हेल्थ के ऊपर भी मैंने रेसिपी बनाया है। उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है हेल्दी वर्ल्ड, उसमें हेल्थ के ऊपर भी मैं रेसिपी डालता हूं। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। तो दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।